ये फतावा दारुल देवबंद और उसकी वेबसाइट पर आदाब माशरत के बारे में है, अखलाक और आदाब के बारे में सवाल किसी ने किया था, जब किसी के यहां दावत में जाएं तो क्या आदाब होने चाहिए सुन्नत के मुताबिक। सवाल, जब किसी के यहां दावत में जाएं तो क्या आदाब होने चाहिए सुन्नत के मुताबिक। जवाब, नंबर एक, दावत में अमीर और गरीब का फर्क न करें बल्कि गरीबों की दावत में भी शिरकत करें। नंबर दो, ऐसे शख्स की दावत कबूल न करें जिसकी कुल आमदनी हराम हो। नंबर तीन, अगर मासियत के मजमे में दावत हो तो कबूल न करें। नंबर चार, वक्त मुकर्रर पर जाए ताखीर न करें, ताखीर से इंतजाम में जहमत होगी। बिला जरूरत घर के अंदर न जाए, कहीं बेपर्दगी न हो। घर में दाखिल होते वक्त अवल सलाम करें। अपने साथ बगैर दावत के किसी और शख्स या अपनी औलाद को हरगिज़ न ले जाए, क्योंकि हदीस पाक है, जो बगैर दावत के गया चोर बन कर गया, डाकू बन कर आया। इधर उधर न बैठे, अदब से बैठा रहे। जहां जगह मिले बैठ जाए, उस मकाम पर न बैठे जहां बेपर्दगी का एहतमाल हो। बोलना हो तो मौका मेल की रियायत करते हुए बोले, वरना खामोश रहे। अगर मजलिस में कोई बुजुर्ग हो बड़ा तो उसकी रियायत और अदब करें। वक्त से पहले आकर खाना तैयार होने के इंतजार में न बैठ जाए, वो खाने से फारिग होकर अपने कामों में लग जाए। देर तक बैठना और बातों में मशगूल होना मेजबान के लिए बाएं से तकलीफ हो सकता है।